भोपालपट्टनम जिले की सीमा पर स्थित तारलागोड़ा फॉरेस्ट नाका में अवैध रूप से परिवहन कर रहे सागौन लकड़ी से भरी पिकअप वाहन को पकड़ा गया। पिकअप वाहन तेलंगाना राज्य का है, जिससे अंतर्राज्यीय तस्करों द्वारा अवैध सागौन भरकर अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार करने का प्रयास किया जा रहा था। पकड़े गए सागौन की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। राजनांदगांव जिले की बागनदी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब लेकर आ रही नीले कलर की कार को बागनदी बस स्टैंड के पास रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक तेज गति से कार चलाते हुए फरार हो गया और कार को जंगल में लावारिस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार से 96,300 रुपए कीमत की 18 पेटी शराब के साथ कार को भी जब्त कर लिया है। बिलासपुर में एक युवक एसपी ऑफिस के बाहर पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंचा था, जिसे पुलिस कर्मियों ने रोका। एसपी दफ्तर के पुलिस कर्मियों ने युवक से पेट्रोल से भरा बोतल छीनकर समझाइश दी। युवक ने बताया कि पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर वह सुसाइड करने एसपी ऑफिस पहुंचा था। जबड़ापारा निवासी पीड़ित अमितेश मिश्रा ने पत्नी और ससुराल वालों पर ब्लैकमेल का आरोप भी लगाया है। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर का माफिद बेग शासकीय विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख रुपए लिए थे। जब नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने पैसा वापस मांगा तो आरोपी पैसा देने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने भाटापारा पुलिस से की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की एसीसीयू की टीम व गरुड़ बाजार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहर में घूम घूम कर मोबाइल टावरों से आरआरयू कार्ड चोरी करने वाले आरोपी शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का एक नग, वोडा आइडिया टावर का एक नग और आरआरयू कार्ड कीमत लगभग 1,25,000 रुपए जब्त कर लिया गया है। धनोरा ग्राम वासियों की शिकायत पर पदनापुर चौकी पुलिस ने आरोपी प्रदीप यादव को, जो दुर्ग में ट्रैक्टर चालक का काम करता था, किराए के मकान में रहते हुए गांव की नाबालिग को झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने फेरोस्कोप निगम लिमिटेड के स्टोर में रखे सामान से शोल्डर बूस, फुल बूस, लगभग 1 क्विंटल व अन्य सामग्री चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों राधे ठाकुर, मनीष आंडिल व अजय कुमार देवांगन, प्रवीण यादव व दुर्गेश जोशी और बाला को पकड़कर स्टोर रूम से चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कोंडागांव जामकोट पर चौक में जगदलपुर से आयरन लेकर रायपुर की ओर जाने वाली ट्रक के चालक ने वाहन से नियंत्रण खो बैठा। वाहन तो मोटरसाइकिल को रौंदते हुए दुकान में जा घुसा। दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ, घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम दर्री कापा में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। यहां शेड के भीतर खूंटे से बंधी दर्जनों बकरियों को कुछ चोर बोलेरो कार और बाइक में चोरी करने पहुंचे थे। हालांकि गाड़ी के फंस जाने की वजह से वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने ग्रामीणों से बचने गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा, जिसकी शिकायत विजय अनंत ने कोटा थाने में दर्ज कराई है। राजधानी रायपुर के आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान उन्हें एक स्विफ्ट डिजायर कार में 3 लोगों को भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा है। आरोपी के पास से 21 पेटी अवैध शराब कीमत लगभग 12 लाख रुपए और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में अमित जायसवाल, संजीत कुमार और चरणजीत सिंह शामिल हैं। रायगढ़ जिले के डोंगरीपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मवेशी तस्कर को ओडिशा रोड पर मवेशियों को कुर्तापुर हांकते मारते हुए कत्लखाने ले जाने की सूचना पर पकड़कर उसके कब्जे से 19 नग मवेशियों को मुक्त कराया गया है। आरोपी टिकेश्वर बसंत को गिरफ्तार किया गया। रायपुर के तिलदा नेवरा थाना इलाके में स्थित ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में पुलिस ने आदतन सातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामचंद्रन देवांगन उर्फ रामचंद्र वस्त्राकर चोरी का नेकलेस रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश करते हुए तिलदा नेवरा के श्याम ज्वेलर्स नामक दुकान पर घूम रहा था। पुलिस की टीम ने उसे पकड़कर उसके पास से 2,19,000 रुपए कीमत के जेवरात जब्त किए हैं।
राजधानी रायपुर के पुलिस द्वारा तिहाड़ जेल में बंद पीएसीएल के डायरेक्टर गुरमीत सिंह और सुब्रतो भट्टाचार्य को शनिवार को प्रोडक्शन वारंट में रायपुर न्यायालय लाया गया, जहां थाना मोदापारा एवं थाना गोबरा नवापारा के अपराध में औपचारिक गिरफ्तारी की गई है। रायगढ़ जिले की बरमकेला थाना पुलिस ने एक बाबा को गिरफ्तार किया है। बाबा ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा था। बाबा ने महिला से कहा था कि मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। इसी बात से परेशान महिला ने पूरे मामले की शिकायत बरमकेला थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं को समूह बनाकर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने वाली फाइनेंस कंपनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी अजय साहू व अन्य ने मिलकर 38 महिला ग्राहकों का 5,23,914 रुपए गबन कर फरार हो गया था। 3 साल के बाद सूरतपुर पुलिस ने बस स्टैंड से उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहरखार में जुआ खेल रहे 11 जुआरियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 8,500 रुपए नकद व ताश पत्ती बरामद किया है। मुंगेली पंडरिया मार्ग जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने पंडरिया रोड मुंगेली की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार युवकों का तेज रफ्तार बुलेनो कार ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक रेवती पोर्ते नामक युवक की मौत हो गई। राजनांदगांव शहर में पुराना बस स्टैंड स्थित बजरंग होटल और गोल बाजार से लगे नंदलाल हार्डवेयर के गोदाम में शनिवार को आगजनी की घटना हो गई। आगजनी में दोनों प्रतिष्ठानों की लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं आगजनी की घटना से आसपास सटे दुकानों के कारोबारियों को भी असर पड़ा है। कोरबा जिले की करतला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रायगढ़ हाटी की ओर से बुलेट से आ रहे दो युवक विजय सारथी व समीर खान की तलाशी लेने पर उनके पास से लगभग 1 किलो अवैध गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने दोनों युवक को गिरफ्तार कर बिना नंबर प्लेट के काले रंग की बुलेट व गांजा को जब्त कर लिया है। नारायणपुर जिले की फरसगांव थाना क्षेत्र में एक गांव में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। नक्सलियों ने ग्रामीण पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाकर पहले गला रेता पत्थर से सिर कुचलकर मौत की सजा दे दी। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को गांव के ही नजदीक फेंक दिया। जगदलपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करने वाले आरोपी को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक पर ऑनलाइन फ्रॉड का मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस एवं वाड्रफ नगर चौकी पुलिस के द्वारा चिटफंड कंपनी साइनिंग इंडिया रियल एस्टेट एवं डेरीज लिमिटेड कंपनी के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपी डायरेक्टर अमित कुमार साहू कन्हैया लाल तथा टिकेंद्र कुमार भार्गव को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर तहसील अंतर्गत उत्तर प्रदेश सीमा से लगे धनवार चेक पोस्ट पर एसडीएम वाड्रफ नगर के नेतृत्व में राजस्व खनिज एवं परिवहन विभाग की एक संयुक्त दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें रेत की ओवरलोडिंग करते हुए 4 ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में प्रत्येक वाहनों से 20,000 रुपए की कुल राशि चलान कर 80,000 रुपए राजस्व वसूल किया गया। शनिवार को शाम 4 बजे एक बार फिर बिलासपुर जिला पंचायत के मनरेगा सेल में आग लग गई। आग से कंप्यूटर सिस्टम, दस्तावेज और एसी जल गया। घटना में अब तक कितने दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा इसकी लिस्टिंग करने के निर्देश जिला पंचायत के अफसरों ने दिए हैं। छुट्टी के दिन आग लगने से जले रिकॉर्ड के कारण कई सवाल उठने लगे हैं। रायगढ़ के तमनार में स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की कोयला खदान से निकली गाड़ी एक डिपो में खाली कर उसमें छाई मिलाकर रवाना कर दिया गया। रॉबर्टसन साइडिंग में कंपनी को संदेह हुआ तो खरसिया पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने गाड़ी जब्त करने के बाद 4 लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना प्रारंभ कर दिया है।
कोरबा जिले के चैतुरगढ़ के पार्किंग स्थल स्थित पहाड़ के नीचे खाई में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके में पहुंची पाली थाना पुलिस ने मर कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पास से मिले पहचान पत्र से उसकी शिनाख्त शिव कुमार साहू निवासी भाटापारा बलौदा बाजार के रूप में की गई है, जो दवा नेटवर्क मार्केटिंग का कार्यकर्ता था। पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी है। मणिनगर थाना पुलिस ने प्रार्थी के घर के बाहर रखा 3 बंडल सरिया चोरी करने वाले मोहम्मद शमीम, आकाश और घनश्याम सिंह को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर आरोपी की निशानदेही पर 25,000 रुपए कीमत का 3 बंडल सरिया व चोरी में प्रयुक्त ऑटो को जब्त कर लिया है।